का बसपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन है आज। दफ्तर के पास जन्मदिन की बधाई के लिए लगे आ रहा हूँ स्लोगन के साथ लगाई गई है। सपा नेता जयराम पांडे ने लगाई होली। सरकार बनने का काउंटडाउन बताने वाली लगी है ये। 145 दिन के काउंटडाउन की डिजिटल घड़ी वोटिंग पर लगाई गई है। 145 दिन में सरकार बदलने के दावे के साथ लगी है। के हिसाब से अखिलेश सरकार ने बनाया जन्मदिन। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन है आज, जहां दफ्तर के बाहर जन्मदिन की बधाई के लिए होर्डिंग लगे हैं। आ रहा हूं स्लोगन के साथ लगाई गई है ये होर्डिंग। सपा नेता जयराम पांडे ने लगाई है ये होर्डिंग। सरकार बनने के काउंटडाउन बताने वाली लगी है होर्डिंग। 145 दिन के काउंटडाउन की डिजिटल घड़ी होर्डिंग पर लगाई गई है। 145 दिन में सरकार बदलने के दावे के साथ लगी है घड़ी। घंटे मिनट सेकंड के हिसाब से अखिलेश सरकार आने का दावा। लखनऊ से इस वक्त की, कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पटियाला ग्राउंड शोरूम में लगी है भीषण आग, जहां नीचे मंजिल पर इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है। शॉर्ट सर्किट से लगी है आग। दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची। फजलगंज थाना क्षेत्र की फजलगंज चौराहे की है ये पूरी घटना। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कानपुर के एक शोरूम में आग लगी है। पटियाला ग्राउंड के शोरूम में लगी है आग। नीचे मंजिल पर इलेक्ट्रॉनिक का है एक शोरूम, जिसमें आग लगी, जहां पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने का मामला बताया जा रहा है। दमकल की दो गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरीके से दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में लगातार लगी हुई हैं। आग बुझाने की मशक्कत की जा रही है। नीचे मंजिल पर इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कानपुर से हमारे संवाददाता रिजवान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो रिजवान, क्या कुछ कहना है, किस तरीके से ये आग लगने का मामला पूरा आया है? जैसे बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी है, तो क्या आग पे काबू पाया जा चुका है या अभी भी आग अभी बुझाने का प्रयास चल रहा है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मामला थाना फजलगंज का है और फजलगंज चौराहे का। अब शॉर्ट सर्किट पर काबू पाया जा चुका है। दमकल की गाड़ियां मौके पर आ गई थी। दो से तीन गाड़ियों से मौके पर आके आग पर काबू पाया जा चुका है, जबकि लाखों का माल का नुकसान भी वहीं बताया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए रिजवान, क्या कुछ जान माल की हानि भी हुई है? क्या किसी को नुकसान भी पहुंचा है? जी, गोदाम मालिक को नुकसान पहुंचा है 4 से 5 लाख का, दुकान मालिक को 4 से 5 लाख का नुकसान बताया जा रहा है, और जान की कोई हानि नहीं। किसी बढ़ने की कोई खबर, कोई सूचना या किसी के घायल होने की सूचना भी मिली है क्या? अभी ऐसी कोई सूचना नहीं आ रही है जिसको बताया जा सके, बाकी बस जो भी नुकसान हुआ है वो माल का नुकसान हुआ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे थे, जहां एक शोरूम में आग लग गई है। फजलगंज थाना क्षेत्र की फजलगंज चौराहे की घटना हम आपको दिखा रहे थे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, हरदोई से सपा प्रत्याशी रहे स्वतंत्र देव सिंह ने दी है अपनी प्रतिक्रिया। समाज में स्थान रखने वाले लोग बीजेपी का बने हिस्सा। पीएम मोदी और सीएम योगी में इन सभी नेताओं को विश्वास। लोगों ने सपा बीएसपी और कांग्रेस का शासन देखा। सभी योजनाएं उपलब्ध कराते हैं पीएम मोदी, स्वतंत्र देव सिंह ने कहा। कलावा पहनकर अराजक तत्व अराजकता करते थे बीजेपी। हरदोई से सपा प्रत्याशी रहे उमेंद्र वर्मा बीजेपी में शामिल, जहां स्वतंत्र देव सिंह ने दी है अपनी प्रतिक्रिया। समाज में स्थान रखने वाले लोग बीजेपी का बने हैं हिस्सा। पीएम मोदी और सीएम योगी के इन सभी नेताओं को विश्वास। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, लोगों ने सपा बीएसपी और कांग्रेस का शासन देखा है। सभी योजनाएं उपलब्ध कराते हैं पीएम मोदी, स्वतंत्र देव सिंह कलावा पहनकर अराजकता तत्व अराजक करते हैं बीजेपी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड नितिन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं।
तो नितिन, जिस तरीके से अभी समाज में स्थान रखने वाले लोगों का अभी जो स्वतंत्र देव सिंह ने बयान दिया है, क्या कुछ कहना है आपका इस पे? देखिए, आज उत्तर प्रदेश बीजेपी में कांग्रेस, बसपा, सपा छोड़कर आए कई सारे प्रमुख जो नेता थे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है और स्वतंत्र देव सिंह उसमें मौजूद थे। करीब 16 ऐसे बड़े नेता मौजूद हैं जो कि पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं, कुछ पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और कुछ जो ऐसे हैं जो पार्टियों का संगठन मजबूत करते आए हैं, जिसमें बसपा के जोनल कोऑर्डिनेटर पद के लोग भी शामिल हैं। तो इन लोगों को आज बीजेपी ने अपने पाले में खींच लिया है और इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बयान देते हुए कहा कि समाज में स्थान रखने वाले जो लोग हैं वो बीजेपी का हिस्सा बन रहे हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी इन सभी नेताओं को पीएम मोदी और सीएम योगी में भरोसा है और उसी को देखते हुए ये लोग लगातार बीजेपी का जो परिवार है उसे बढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार जितनी भी योजनाएं चला रही है उसका लक्ष्य यही है कि जो भी आखिरी व्यक्ति है उस तक उस योजना का लाभ पहुंचे, लेकिन सपा बसपा और कांग्रेस के शासनकाल में ऐसा नहीं होता था। तो हम लोगों ने पूरी तरह से उसी पर फोकस किया है कि आखिरी व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचाया जाए। और इसके अलावा उन्होंने कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि दिन में बहन बेटी स्कूटी से नहीं निकल सकती थी, लेकिन अब उन्हें निकलने में आसानी है क्योंकि हमारी कानून व्यवस्था बेहतर हुई। कहीं ना कहीं स्कूटी का नाम जब उन्होंने लिया तो प्रियंका गांधी का भी सवाल खड़ा हुआ था, क्योंकि बीते दिनों कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो बच्चियों को, लड़कियों को जो कि इंटर स्कूल पास होंगी उन्हें स्कूटी सौंपेंगी, उन्हें स्कूटी दी जाएगी और मोबाइल दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं स्वतंत्र देव सिंह ने उस पर भी चुटकी लेते हुए इस बात को कहा है, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर कही है कि हमारे शासनकाल में जो कानून व्यवस्था है वो इतनी बेहतर हुई है कि अब आसानी से लड़कियां घूम सकती हैं, निकल सकती हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी ने इस बात को कहा था कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर नहीं है और इसी वजह से लड़कियां घरों से नहीं निकल पाती, उनके पास मोबाइल नहीं है, उनके पास आने जाने के लिए कोई साधन नहीं है और इसी वजह से कांग्रेस ने ये ऐलान किया था कि हम लड़कियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देंगे। तो इस तरह की प्रमुख बातें जो है वो प्रियंका अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से कही गई हैं। जी अच्छा नितिन, जिस तरीके से अभी लगातार नेताओं के यहाँ पे अलग अलग पार्टियां ज्वाइन करने की हो रही है, जो बीजेपी में है वो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं और जो सपा में है वो इस तरीके से बीजेपी में आ रहे हैं, अभी क्या बीजेपी में क्या कुछ और लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी कोई सूचना मिली है आपको? देखिए, चुनावी मौसम है, चुनावी माहौल है, तो ऐसे में राजनीतिक लोग होते हैं उनका यही अनुमान रहता है कि अगर कहीं से उनका टिकट नहीं हो रहा है या फिर पार्टी में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है तो उनका प्रयास यही रहता है कि वो पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टियों में जाएं जहां पर उनकी बात सुनी जा सके, उनकी बात मानी जा सके या फिर उनका टिकट फाइनल हो सके। और उनमें से कुछ ऐसे पूर्व प्रत्याशी हैं, कुछ पूर्व विधायक हैं जिनको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं उनका टिकट इस बार उनकी राजनीतिक दल जिससे वो जुड़े हुए थे अब तक वहां से कट सकता है और इसी वजह से इस तरह का फैसला ये लोग लेते हैं। और अब बीजेपी में शामिल हुए हैं तो बीजेपी से उनको उम्मीद यही होगी कि हमें टिकट मिले। तो इस तरह के कुल मिलाकर करीब 16 लोग हैं जो आज बीजेपी में शामिल हुए हैं और ये आने जाने की जो प्रक्रिया है ये लगभग सभी दलों में चल रही है, चाहे हम सपा की बात कर लें, चाहे कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की बात कर लें या फिर हम बीजेपी की बात कर लें। तो राजनीतिक दलों में अब ये चुनावी मौसम है तो ये जो माहौल है पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल होने का ये चलता रहेगा। ने भी बोला कि 16 नाम अभी 16 लोगों ने ज्वाइन किया है, उन 16 नामों में कौन कौन से मुख्यतः रूप से आए हैं बीजेपी के पाले में? देखिए, इसमें अगर हम आपको बताएं तो एक पूर्व विधायक है इंद्रदेव सिंह, जो कि 4 बार लगातार विधायक रहे हैं बिजनौर से, वो आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस से अमरेंद्र कुमार वर्मा, क्योंकि बताया जा रहा था कि कांग्रेस इन्हें प्रत्याशी बनाई थी 2017 में, गठबंधन से ये प्रत्याशी थे कांग्रेस के 2017 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन इस बार ये नाराज हुए और उनको लगा कि जिस तरह से कांग्रेस ने कहा कि हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे तो कई ऐसे नेता हैं कांग्रेस के जिनको ये लग रहा होगा कि टिकट कट जाएगा और इसी वजह से अमरेंद्र कुमार वर्मा भी शामिल हो गए। इसके अलावा कांग्रेस के ही एक पूर्व विधायक है सतीश कुमार, वो शामिल हो गए हैं। बसपा के भी एक पूर्व विधायक है छोटे सिंह चौहान, वो शामिल हो गए हैं। इसके अलावा एक पूर्व प्रत्याशी है बसपा के नीरज कुमार वर्मा, वो शामिल हो गए हैं। इसके अलावा हम आपको बताएं तो आम आदमी पार्टी से रोहित सक्सेना जो है कानपुर के प्रवक्ता भी हैं पार्टी के, वो पार्टी छोड़कर के आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और सपा की अगर हम बात करें तो संयुक्ता चौहान एक बड़ा नाम है, क्योंकि संयुक्ता चौहान के
जो ससुर हैं वो मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी माने जाते रहे हैं, और कहा जाता रहा है कि कांग्रेस को संभालने में और कांग्रेस समाजवादी पार्टी को संभालने में, समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में राजा अटारी जो है उनकी बहुत अहम भूमिका रही है नेताजी के साथ, मुलायम सिंह के साथ। तो आज उनकी बहू जो है वो भी सपा छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गई। नितिन, जैसे कांग्रेस बोल रही है कि वो महिलाओं में एक महिलाओं को मौका देना चाह रही है, महिलाओं के भी अपने उसमें पाले में लाना चाह रही है, तो क्या बीजेपी क्या ऐसा कोई कदम उठाने वाली है, क्या वो भी महिलाओं को लेकर ऐसा कुछ करने वाली है कि वो भी ऐसा कुछ काम करें जिससे कांग्रेस के जो वोट वो अपने अधिकार में करना चाहती है उनके वोटों को काट सके? देखिए बिल्कुल साफ तौर पर, क्योंकि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एक बड़ा गेम चेंज जरूर यहाँ पर किया है, लेकिन ये अब गेम चेंजर साबित होएगा या नहीं साबित होगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि 40% महिलाओं को प्रत्याशी बनाने की बात प्रियंका गांधी ने कह तो दी है, लेकिन ये 40% महिलाएं आएंगी कहाँ से, इतने तो नेता मंत्री भी नहीं है कांग्रेस के पास लंबे समय से कि उनके परिवार से ही किसी को प्रत्याशी बनाया जाए। दूसरी चीज जो दूसरी राजनीतिक दल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो बीते चुनाव में हम देखें या फिर हमेशा से देखें तो 10-12% का ही महिलाओं को प्रत्याशी राजनीतिक दल बनाते आए हैं, और 10-12% ही महिला प्रत्याशी अक्सर रही हैं अलग अलग राजनीतिक दलों में। तो अब जिस तरह से 40% की बात कांग्रेस की तरफ से कही गई है, तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं इस बार ये फेरबदल अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनको भी करना पड़ेगा, और जो प्रत्याशियों की संख्या है महिलाओं की उनको बढ़ाना पड़ेगा, अगर नहीं बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं ये इनके लिए माइनस पॉइंट होगा। लेकिन लगभग सभी ने तैयारी की हुई है, सभी राजनीतिक दल तैयार हैं, जानते हैं कि कैसे चुनाव लड़ना है, और इसकी जो प्रक्रिया है, जो तैयारी है वो काफी लंबे समय से चल रही है। तो अब ये लगाया जा रहा है अनुमान कि हाँ टिकट बढ़ाएंगे, लेकिन 40% तक टिकट दूसरे राजनीतिक दल नहीं बढ़ाने वाले, ये तो बात सिद्ध है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, जहाँ पीएम मोदी और सीएम योगी ने सभी नेताओं को विश्वास दिया। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रतिज्ञा यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां लखनऊ से बाराबंकी के लिए निकली है प्रियंका गांधी। प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगी प्रियंका गांधी। बाराबंकी की हरक बाजार से रवाना होगी ये यात्रा। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की 7 प्रतिज्ञाएं। पहली प्रतिज्ञा 20 लाख सरकारी नौकरी देगी। प्रतिज्ञा किसानों का कर्ज माफ होगा। तीसरी प्रतिज्ञा गेहूं धान का मूल्य 2500 का 400 होगा। चौथी प्रतिज्ञा गरीब परिवारों को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। पांचवी प्रतिज्ञा बिजली बिल आधा करने की। छठी प्रतिज्ञा छात्राओं को स्कूटी मोबाइल मिलेंगे। सातवीं प्रतिज्ञा चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट दिया जाएगा। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ से बाराबंकी के लिए निकलेगी प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा यात्रा। प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगी प्रियंका गांधी, जहां बाराबंकी के हरक बाजार से रवाना होगी ये यात्रा। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की 7 प्रतिज्ञाएं की गई हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्वनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अश्वनी, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है, जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने आज प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत की है, तो वो किस तरीके से प्रतिज्ञा यात्रा है, जो अपनी 7 प्रतिज्ञाएं लेके चली है, उस पर आप क्या कुछ कहना है? आपको बता दें, आज जो है यूपी की प्रभारी और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी आज से प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत करेंगी। ये प्रतिज्ञा यात्रा विधानसभा चुनाव को लेकर के है। इसमें प्रियंका गांधी अपना घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। घोषणा पत्र में उनका जो है जो वादे रहेंगे जनता से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के, जिसमें वो 7 वादे जनता से करेंगी, और 7 वादों से जनता को चुनावी लुभावने वादे भी हैं इनको माना जा सकता है, क्योंकि जो छात्राओं की बात की जाए तो छात्राओं और युवाओं के लिए भी कई इसमें अहम वादे हैं, और महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं के लिए 40% टिकट का आरक्षण देने के लिए प्रियंका गांधी पहले ही बोल चुकी हैं, और युवाओं की बात की जाए तो युवाओं में को जो है, अगर जो छात्राएं हैं उनको, जो 10th पास की छात्राएं हैं उनको स्मार्टफोन देंगे, और इंटर पास छात्राओं को स्कूटी देने की बात की जा रही है, और उनके बाद अगली प्रतिज्ञा इनकी कि 20 लाख सरकारी नौकरियां भी देंगे। तो जो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा इस विधानसभा चुनाव में निकल के सामने आ रहा, तो इस पर भी जो है प्रतिज्ञा यात्रा में जो है जनता को साधती हुई नजर आएंगी प्रियंका यादव। और जो किसान धरने में बैठे हुए हैं, किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा,
और किसानों की समस्या का निराकरण किया जाएगा और बिजली के बिल में भी काफी ज्यादा राहत दी जाएगी। इसको लेकर के 7 प्रतिज्ञाएं हैं और इस प्रतिज्ञा यात्रा में कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो सभी इस प्रतिज्ञा यात्रा में शामिल होंगे। जी, और ये प्रतिज्ञा यात्रा आज इन्होंने बोला है कि बाराबंकी से इनकी प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत होगी, तो ये किस तरफ रुख करेंगी और कौन कौन से जिलों को इन्होंने नोटिस कर रखा है, कौन कौन से जिलों में इनकी ये प्रतिज्ञा यात्रा शिरकत करेगी? ये प्रतिज्ञा यात्रा 3 जिलों से शुरू होगी, सहारनपुर, बाराबंकी, वाराणसी से शुरू होगी। आज बाराबंकी से हरी झंडी दिखाकर प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा यात्रा को रवाना करेंगी। इसके बाद सहारनपुर और वाराणसी में भी एक एक दिन प्रियंका गांधी जो है प्रतिज्ञा यात्रा में शामिल होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अश्वनी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे थे, जहां बाराबंकी की हरक बाजार से रवाना होगी आज प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा यात्रा, जिसमें वो अपनी 7 प्रतिज्ञाएं साथ में लेकर चल रही हैं। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, मोटरसाइकिल बनी आग का गोला, चलती हुई मोटरसाइकिल में अचानक लगी है आग, कर जली ये मोटरसाइकिल सवारों ने कूद कर बचाई अपनी जान। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया है काबू। जगतपुर थाना क्षेत्र के पावर हाउस के पास की है ये घटना। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से एक मोटरसाइकिल आग का गोला बन गई, दू दू करके जल रही है ये मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल सवारों ने कूद कर बचाई है अपनी जान। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया है काबू।